जी की शिकायत मुझसे है, बड़े गुस्सा है, मेरा सवाल लेना बंद कर दिया। अरे नहीं सर, किसी से कोई ऐसा मतलब चुन करके थोड़ी होता है कि अच्छा इनका सवाल नहीं लेना है। और खैर, अच्छा आपने क्या बोला है, जैकॉर को पकड़े हुए हैं क्या, पुल बैक करके खरीदा हुआ है। आपका तो सवाल अगर थोड़ा सा और क्लियर होता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब जैकॉर पुल के ऊपर लगाएगा या एनीवे, इनका सवाल अगर आप समझ पा रहे हैं सुमेश, या बता दीजिए मोटे तौर पे जैकॉर्प में क्या करना है इस समय। देखिए, तो मैं समझ नहीं पाया इनका सवाल क्या है। हाँ, लेकिन जैकॉर्प में जितने सारे न्यूज़ फैक्टर होने थे वो सब तो हो ही गए हैं। अब इसके बाद ड्राइविंग फोर्स क्या है मुझे नहीं पता, जो न्यूज़ आउट था वो आउट है। लेकिन अभी तक भी एक रुक तो नहीं रहा है, मोमेंटम नहीं जा रहा है। प्राइस नहीं, मोमेंट हो चुका है। जैकॉर्प को आगे बढ़ने के लिए किसी ड्राइविंग फोर्स की जरूरत होती है क्या, किसी खबर की, या वो अपने आप ही मतलब बाजार देख करके चलने लग जाता है। बहुत गजब चल रहा है, अभी पहुंच गए 400। इसमें लेग्स तो थोड़ा इवैल्यूएट करना पड़ेगा, लेकिन साइकिल अभी एंड नहीं हुआ है ऐसा लग तो रहा है। अब लेग्स इवैल्यूएट करने में थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, लेकिन फिलहाल इतना ही जान लीजिए कि जैकॉर्प बहुत ही फिलहाल जो इसका क्लोज है ना 380 के पास वाला, ये थोड़ा सा क्रूशल क्लोज हो जाएगा। या उसको आप थोड़ा सा नीचे कर लीजिए 370, ये क्रूशल क्लोज हो जाएगा। इसके पहले तो अभी भी इसका मोमेंटम भी नहीं जाएगा ऐसा लग रहा है, 370 के नीचे ही जाएगा। तो ट्रेडिंग का कैंडिडेट है मोर देन एनीथिंग एल्स 370 इज द लेवल, उसको ध्यान रखिएगा। ये होल्ड करता है तो फिर इसमें अनदर राउंड ऑफ बाइंग आएगी, नहीं होल्ड करता है तो भी करेक्शन कूल ऑफ होगा। अब वो हो सकता है कि 340-350 रेंज वाले में भी जाए वो फिर उसके। जी,